आज मॉर्निंग का सारा काम खत्म कर लिया मैंने और फिर आ गया नाश्ता बनाने। तो आज मैं मॉर्निंग और रात का डिनर का कुछ थोड़ा थोड़ा मैं दिखाऊंगी। और मेरे साथ रहना, मैं मॉर्निंग में पूरा नहीं, बस नाश्ता और रात का डिनर यही दोनों आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज का ब्लॉग है मेरा यही दो टाइम का, तो मेरे साथ जुड़े रहना। चाय नाश्ता हो गया, ब्रेड ऑमलेट और चाय टोस्ट। काम पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद बैठ बैठ के चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। फिर दोपहर का खाना बनाना, दोपहर का काम दूसरा कुछ करना होगा, बैठ बैठ के सोचूंगी। फिर मैं डायरेक्ट रात को ही आऊँगी, ठीक है। हाँ, बार बार मतलब ब्लॉग भी बड़ा हो जाता है और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए थोड़ा आज ना थोड़ा थोड़ा मैंने ब्लॉग शेयर करा मैं सुबह और शाम का। तो चलो हम लोग, मेरा बेटा इस ट्यूशन से आ गए, हम लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर मैं दूसरा काम करूँगी। हम सभी फ्रेंड का यही प्राय है, सुबह काम करने के बाद थोड़ा अपने लिए चाय बनाना है, फिर परिवार के लिए चाय बनाना, यही तो हमेशा सभी को रहते हैं। फिर घर का काम काज में सारे हाउस वर्क का दिन भर थोड़ा थोड़ा टाइम लगे रहता है ना। फ्रेंड है, देखो मैं आ गया। रात का डिनर आज चिकन और रोटी बनेगा और दोपहर का फिश करी है, बस इसी में हो जाएगा। तो मेरे साथ देखिए, ये देखिए अदरक लहसुन पेस्ट, जीरा धनिया और लाल मिर्च का पेस्ट दे दिया। अदरक लहसुन जीरा मैं तो हमेशा शेयर किया है, मैं हमेशा मिक्सी में ग्राइंड कर कर तो लगभग बड़ा टेबल स्पून का 3 टेबल स्पून दे दिया 1 किलो चिकन के लिए। और एक बड़ा स्पून का 1 स्पून जीरा सॉरी धनिया, 1 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून लाल मिर्च पाउडर, चिकन दे दिया, आलू दे दिया और बड़ा बड़ा टमाटर मैंने बाद में दे दिया, क्योंकि चिकन को भूनते भूनते ना टमाटो भी गल जाएगा। देखो बन भी गया और रोटी भी बना लिया झटपट। तो हो गया आज का रात का डिनर और फिश तो करी है, मैं भी मेरे बेटे के लिए प्लेटिंग कर लूँगी, फिर हम लोग बाद में खाएंगे। और देखो मैं प्लेट भी लगा लिया, अभी बजे रात का 10 बज गया, तो अभी 10 बजे ही हम लोग खाना खाते हैं। तो 10 बजे मैं आज बेटे को दे दूँगी। और ये जो प्लेट फिश का फिश करी है दोपहर का, चिकन है, रोटी है, राइस है। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तो खाना बन गया, खाना दे दिया, हम लोग खा लेंगे। तो आज के लिए इतना था आज का ब्लॉग। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।